गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर दोज ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटिंग द डिप्रेसिव इलनेस। डिप्रेसिव इलनेस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स है काम में ली जाती है उनको बेसिकली बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। अब जो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं दीज आर मूड एलिवेटर्स, इनको मूड एलिवेटर्स भी बोला जाता है बिकॉज दे एलिवेट द मूड। देन दीज आर थायमोलेप्टिक्स, दीज आर थायमोलेप्टिक्स बिकॉज व्हाट इज थायमोलेप्टिक्स, थायमोलेप्टिक इज द मॉडिफाई द पेशेंट मूड, जो पेशेंट के मूड को मॉडिफाई कर देती है। दीज ड्रग्स आर नोन एज थायमोलेप्टिक्स। Now we are going to discuss the classification of antidepressant drugs. Few parts of the classification of the antidepressant drugs are, first of all, TCA, tricyclic antidepressant drugs, then SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors, then dopaminergic drugs, antidepressant, then atypical antidepressant drugs, then MAOIs, monoamine oxidase inhibitors drugs. So these are the basic drugs, basic classified drugs for the antidepressant class. First of all, TCA, tricyclic antidepressant, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ड्रग आती है इमिप्रामाइन और एमिट्रिप्टालिन। इनकी जो ओरल डोज रहती है वो 75 to 300 मिलीग्राम पर डे ओरली। देन SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor के अंदर आता है फ्लोक्सेटिन। फ्लोक्सेटिन की जो ओरल डोज होती है 10 to 80 mg पर डे इन द सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। नेक्स्ट बात करते हैं डोपामिनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। डोपामिनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आता है फ्लोक्सामाइन। फ्लोक्सामाइन की जो डोज रहती है वो 50 to 300 mg पर डे ओरली। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में। इसके अंदर आती है एमिप्टाइन। एमिप्टाइन की जो ओरल डोज रहती है 100 to 400 mg पर डे ओरली रहती है। देन नेक्स्ट आती है MAOIs, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग्स। इसके अंदर आती है फॉर एग्जाम्पल ट्रेजेडोन। ट्रेजेडोन की जो ड्रग डोज रहती है 150 to 600 mg पर डे ओरली। सो दीज आर द कॉमन मेडिकेशन यूज इन एंटी डिप्रेशन पार्ट। सो दीज आर द सम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ द एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। बेसिकली एंटी डिप्रेशन जो ड्रग है वो किन किन डिसऑर्डर्स के अंदर काम में ली जाती है उनके बारे में अपन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन के जो फर्दर पार्ट्स हैं और किन किन चीज़ों में काम ये जो एंटी डिप्रेशन ड्रग है ली जाती है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देन चाइल्डहुड साइकेटिक डिसऑर्डर, देन अदर साइकेटिक डिसऑर्डर, देन मेडिकल डिसऑर्डर। कुछ मेडिकल ऐसे डिसऑर्डर्स भी हैं उन जैसे पेप्टिक अल्सर हुआ और सीवियर पेन हुआ, उनके अंदर भी एंटी डिप्रेशेंट जो ड्रग्स हैं काम में ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन के अंदर अपन बात करते हैं तो डिप्रेसिव एपिसोड, देन डिस्थाइमिया, रिएक्टिव डिप्रेशन, देन सेकेंडरी डिप्रेशन, देन एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डिप्रेशन। इन दीज पार्ट्स एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर यूज। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं चाइल्डहुड साइकेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं एन्यूरेसिस मतलब बैड वेटिंग, देन सेप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, देन सोमनेबुलिज्म, देन स्कूल फोबिया एंड नाइट टेरर। इन दीज साइकेटिक डिसऑर्डर्स एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर कॉमनली यूज। देन अदर साइकेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉमनली नोन एज पैनिक अटैक, देन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एग्रोफोबिया, देन OCD विदाउट डिप्रेशन, देन ईटिंग डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नेक्स्ट डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम। सो दीज आर द अदर साइकेटिक डिसऑर्डर। इनके अंदर भी एंटी डिप्रेशेंट ड्रग है जो काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अदर मेडिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर पेप्टिक अल्सर है, देन माइग्रेन और क्रॉनिक पेन के अंदर एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स है बेसिकली काम में ली जाती है।
Now we are going to discuss the pharmacokinetics of the antidepressant drugs. The antidepressant drugs are basically metabolized by the liver at half-life of the antidepressant drug is 24 hours. और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 24 आवर्स होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की. एंड दीज आर हाईली जो भी फैट है, फैट से और प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये बाउंड होती है जो फार्माकोकाइनेटिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है. फैट और प्रोटीन पार्ट से काफ़ी ज़्यादा बाइंड अप होती है. Next we are going to discuss the mechanism of action of the antidepressant drugs. So first of all, what is the mechanism action of the antidepressant drugs? In previous class we are discuss about the neurotransmission ke bare mein discuss kiya tha ki kis tarah se neurotransmission hota hai. Ek jo neurotransmitter hai wo ek jagah se dusri jagah impulse ko kis tarah se यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट करता है. सो नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कस मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. जो किस तरह से उनकी मैकेनिज्म होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की बेसिकली बात करते हैं. जो एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की वो तो अननोन है, बट उसको अपन ब्रीफली उसको देखते हैं किस हिसाब से मैकेनिज्म होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैटाकोलामीन का लेवल है ब्रेन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इन द ब्रेन. कैटाकोलामीन लेवल इंक्रीज इन ब्रेन के अंदर कैटाकोलामीन का जो लेवल है बढ़ जाता है. अब देखते हैं जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं लाइक TCA, MOIs, मोनोअमाइन एक्सटेज इनहिबिटर्स, TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन. अब ये जो TCA है ये क्या करता है, ये जो TCA है ये न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एपिनेफ्रिन इसको NE से अपन डिनोट कर सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन जिसको अपन 5-HT से भी डिनोट कर सकते हैं. ये दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का जो री अपटेक है उसको ये जो TCA है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इसके री अपटेक को ब्लॉक कर देता है. इन दोनों के री अपटेक को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक. अब जब इसका जो री अपटेक है वो ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा, जो रिसेप्टर साइट है रिसेप्टर साइट के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन एंड डोपामिन उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा. बिकॉज कोई भी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो प्रीसाइनेप्टिक, लाइक दिस इज प्रीसाइनेप्टिक, दिस इज पोस्टसाइनेप्टिक. प्रीसाइनेप्टिक के अंदर वेसिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करने का काम करते हैं और वो कहीं इम्पल्स या स्टिमुलेशन आने पर वेसिकल्स के थ्रू रिलीज होते हैं और रिलीज होकर जो इन बिटवीन जो स्पेस है इसको बोलते हैं साइनेप्स. इस साइनेप्स के जो गैप है इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो पोस्ट साइनेप्टिक जो साइट होती है इसके ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं उन रिसेप्टर के ऊपर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बाइंड अप हो जाते हैं और इम्पल्स को आगे की तरफ जनरेट कर देते हैं. ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है. अब जो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के अंदर आए हैं, साइनेप्स के बीच में आए हैं तथा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए हैं वो इम्पल्स जाने के बाद में वापस उनका क्या होता है, री अपटेक होता है. वापस या तो वेसिकल के अंदर चले जाते हैं या बाय द एंजाइम्स मेटाबोलाइज हो जाते हैं. ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है और सीरोटोनिन है ये वापस इनका रीअपटेक होता है प्री साइनेप्टिक के अंदर और ये वेसिकल्स के अंदर वापस चले जाते हैं. बट
These drugs TCAs and MOIs, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, जो रीअपटेक है सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का, इस रीअपटेक के चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये चैनल ब्लॉक होने से इनकी जो इनका जो लेवल है रिसेप्टर साइट पे जो इनका लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेवल बढ़ने से जो एक्शन है वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, और ये बढ़ावा लेवल एंटीडिप्रेसेंट एक्शन है जो शो करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स। फर्स्ट साइड इफेक्ट इज ऑटोनॉमिक। फर्स्ट इज ऑटो ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स। इन ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, साइक्लोप्जिया, माइट्रियासिस, यूरिनरी रिटेंशन, इम्पेयर्ड इजेकुलेशन, दीज आर कॉमन ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट बाई द एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स के ये कॉमन ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स हैं। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज CNS साइड इफेक्ट। कौन सा? CNS साइड इफेक्ट के अंदर आता है सीडेशन, ट्रेमर्स, EPS, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, सीजर्स, जिटरीनेस सिंड्रोम, देन precipitation of the mania. So these are the CNS side effects of the CNS effect of the antidepressant drug. Next अपन बात करते हैं कुछ cardiac जो cardiac के अंदर भी side effect होता है इसके, then इसका allergic side effect भी होता है, then metabolic and endocrine side effects भी common देखे जाते हैं, next special effect of MOIs drugs भी देखा जाता है। सो दीज आर द बेसिक साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट के जो साइड इफेक्ट है कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स, देन CNS साइड इफेक्ट्स, देन कार्डिक साइड इफेक्ट, एलर्जिक साइड इफेक्ट, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट एंड स्पेशल इफेक्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग रिसीविंग पेशेंट। जो रिसीव कर रहा है पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, उनके अंदर अपने को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 6R होती है अपने, राइट पर्सन, राइट ड्रग, ये सब अपने को ध्यान में रखना है। देन अपन बात करते हैं उसके जो वाइटल साइन है वो रेगुलरली अपने को चेक करना है, उसकी बीपी है वो मॉनिटरिंग करते अपने को रहना है, उसकी जब पोजीशन अपन चेंज कर रहे हैं तो भी अपने को उसकी पोजीशन अचानक से चेंज नहीं करनी है, उससे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकती है पेशेंट के अंदर। तो ये काफ़ी सारी उसकी जो डाइट है फाइबर डाइट उसको देनी है, लिक्विड डाइट उसको देनी है जिससे उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, क्लोज उसका ऑब्जर्वेशन करना है, उसके जो मूवमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उन सबको अपने को ऑब्जर्व करना है। देन अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो जिस पेशेंट के MAOI चल रहे हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेटिव इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग चल रही है, उसके अंदर अपने को कुछ जो फूड है वो अपने को अवॉइड करना है, जैसे कि जो बीफ का जो लीवर है, चिकन का जो लीवर है, देन चॉकलेट्स है और कॉफ़ी है, बियर है, वाइन है, इन सब को अवॉइड करना है, क्योंकि इनके अंदर टायरामिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर सकता है जो पेशेंट मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर MOIs ले रहा है। तो इन सारे फूड पार्ट्स को अपने को पेशेंट से अलग रखना है, और बाकी सारी सावधानियां भी अपने को फॉलोअप केयर है, एक्सरसाइज है, ये सब मेडिटेशन है, ये सब के बारे में पेशेंट को अवेयरनेस जनरेट करनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो ये सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एंटी डिप्रेशन ड्रग के अंदर। सो अगेन वी आर समराइज इन शॉर्टकट व्हाट इज एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट्स एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन
antidepressant is a mood elevator. Now classification is it is classified in 5 parts. First is the tricyclic antidepressant, selective serotonin reuptake inhibitors, then dopaminergic antidepressant, then atypical antidepressant, then MAOIs, monoamine oxidase inhibitors, antidepressant, then various indications like depression, childhood psychiatric disorders, then other psychiatric disorders, then medical disorders like peptic ulcer hai, severe pain hai. So these are the indication of the antidepressant drugs. Now we are discuss the pharmacokinetics. बारे में अपन देख लिया तो इसकी हाफ लाइफ कितनी है 24 आवर्स होती है. देन अपन बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ दी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, जो नॉरएपिनेफ्रिन है और सेरोटोनिन है उसके रीअपटेक को ब्लॉक कर दिया जाता है बाय द डीसीए एमओआईज के द्वारा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि साइकेट्रिक जो एंटी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाते हैं जल्दी. देन अपन बात करते हैं क्या क्या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वेरियस काइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अपन ने बात की. सो अपना जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो ड्रग है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.